Hello friends, welcome back to Unit Study. In this video, I am going to teach you a very important question from the chapter Matter in Our Surrounding, that is convert the following temperature. Friends, ये question exam में बहुत आता है, convert the following temperature, जैसे कि Kelvin दिया रहेगा, Kelvin से आपको Celsius में convert करने आता है. केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन. ओके फ्रेंड्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, केल्विन से सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है, नहीं तो सेल्सियस से केल्विन में आपको कन्वर्ट करना होगा. तो इससे पहले, ये करने से पहले, हमें अगर फॉर्मूला पता होगा तो हम लोग इसे आसान से कर सकते हैं. जैसे कि हमने पता है केल्विन और सेल्सियस क्या है, दे आर द मेजरिंग स्केल. ओके फ्रेंड्स, Kelvin and Celsius, they are the measuring scale. And we also know that Kelvin is the SI unit of temperature. We know that the Kelvin is the SI unit of temperature. लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं Kelvin से Celsius और Celsius से Kelvin में. जैसे कि to change a temperature, to change a temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale, देखिए फ्रेंड्स, to change a temperature on the Kelvin scale to the Celsius scale, we have to subtract कितना फ्रेंड, 273 हमें subtract करना होगा. We have to subtract 273 from the given temperature. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, -273 करना होगा. और अगेन टू चेंज ए टेम्परेचर on the Celsius scale, to Kelvin scale, क्या करना होगा तो friends, we have to add 273 on the given temperature. अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, एड करना होगा 273 ऑन द गिवन टेम्परेचर. ओके फ्रेंड्स, अगर ये आपको याद होगा, ये लाइन अगर आपको याद होगा तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में. और एक बात आपको याद रखना है, डेट इज 0 degree Celsius इज इक्वल टू 273.16 के होता है. ओके, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे हम लोग पॉइंट डेसिमल को हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे और कितना लिखते हैं, 273 के, डायरेक्ट 273 हम लोग लिख देते हैं वहां पे. तो चलिए इसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक दो क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ. तो इसे मैं रफ कर लेता हूँ. आप इसे पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा.
देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, टी इन के इज इक्वल टू टी इन सी प्लस 273। ओके फ्रेंड्स, टी इन सी इज इक्वल टू टी इन के माइनस 273। अभी जो मैंने यहां पे टी लिखा है ये क्या अंडरस्टैंड करता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। ओके फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद अभी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, जैसे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, यहाँ पे कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऐसा आता है क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 300 के दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बी में आपको दिया हुआ है 573 के दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे 300 केल्विन दिया हुआ है और 573 केल्विन दिया हुआ है। अभी हम लोग को ये केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, केल्विन अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा फ्रेंड्स, ये वाला। ओके, क्योंकि हम लोग अभी क्या करना है, टेम्परेचर में सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, टी इन सी इज इक्वल टू टी इन के क्या करना है यहाँ पे, माइनस कन्वर्ट करना है ना सेल्सियस में, तो माइनस होगा 273। टी इन के मतलब टेम्परेचर इन केल्विन कितना दिया हुआ है 300। ओके, माइनस 273 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 300 माइनस 273 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, वैसे ही आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम है 573 के दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अभी, टी इन सी इज इक्वल टू टी इन के माइनस 273। अभी देखिए टी इन के कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन कितना दिया हुआ है 573, तो 573 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 573 माइनस 273 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 573 माइनस 273 दैट इज 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 573 केल्विन होने से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी मैंने ये केल्विन का ऊपर मैंने किया है, केल्विन का ऊपर, अब मैं थोड़ा आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, अभी मैंने केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट किया है, अभी सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, 25 डिग्री सेल्सियस अगर दिया होगा। ओके, यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्सियस सी दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर, ये सेल्सियस को हम लोग को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा, अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, प्लस 273 दैट इज टी इन के इज इक्वल टू टी इन सी माइनस कितना करना होगा, और सॉरी प्लस 25। ओके फ्रेंड्स, क्या करना होगा, सॉरी यहाँ पे 25 नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन हो गया, 273 होगा, 273। ओके फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया था। अभी देखिए टी इन सी कितना दिया हुआ है, 25 प्लस 273, 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 273 298 सेल्सियस था, इसे हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर दिए। फिर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। ओके, टी इन के मतलब टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस, और इसमें क्या होगा, जब केल्विन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, प्लस 273।
टी इन सी मतलब टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना दिया हुआ है 25. सो मैंने यहाँ पे 25 लिखा प्लस प्लस 273. 25 प्लस 273 इज 298 के हो गया. लास्ट और एक करता हूं 373 डिग्री सेल्सियस. ओके फिर से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया हुआ है. सो सेल्सियस में दिया रहेगा तो आपको क्या कन्वर्ट करना होगा, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा. राइट फ्रेंड, फॉर्मूला याद तो हो गया होगा अभी तक, टेम्परेचर इन के इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सी प्लस क्या करना है 273. देखिए टेम्परेचर इन सी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 373 प्लस 273. ओके फ्रेंड्स, 373 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 646 केल्विन, दैट इज डिग्री, सॉरी यहाँ पे के होगा. ओके मतलब 373 डिग्री सेल्सियस होने से 646 केल्विन होता है. तो फ्रेंड्स कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 1 या 2 मार्क का आता है ये एग्जाम में. सो आपको ये अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं. एक्चुअली इसे आप लोग दूसरे स्टाइल से भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट बहुत होता है, लेकिन आप जो भी फॉर्मेट में करें आपका आंसर अगर राइट होगा तो वो आंसर ऑब्वियसली राइट होगा. ओके फ्रेंड, सो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर के बारे में अभी हम लोग देख लेंगे. इसे मैं राफ कर लेता हूँ फ्रेंड्स. अभी हम लोग करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है ऐसे एग्जाम में, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. एक्चुअली हम लोग वाटर को क्यों लेते हैं, क्योंकि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपका सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड में भी और गैसियस में भी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी होता है ये सॉलिड लिक्विड और गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए. बहुत जैसे कि अगर लिक्विड में करना होगा तो आइस फॉर्म में हो जाएगा. ओके सो अभी मैं इसका ऊपर भी एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर ऐसा है ना, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसे होता है. एट 100 डिग्री सेल्सियस का भी आता है, 300 डिग्री सेल्सियस का भी आता है. तो ये आंसर को निकालने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नोट्स में यहाँ पे लिखा देता हूँ और वो नोट्स को आपको याद करके रखना होगा. अगर आपको वो नोट्स याद होगा तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं पहला नोट्स. कुछ नोट्स आपको याद रखना है, जैसे कि एट टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तब क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. ओके फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म में होगा, या आप लिख सकते हैं सॉलिड स्टेट भी लिख सकते हैं यहां पे, सॉलिड स्टेट. ओके जैसे कि आइस में रहेगा, वो आइस में होते रहेगा. तो ये हो गया पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट देखिए, एट टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ओके इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा जब टेम्परेचर, तब क्या होगा, वाटर कैन एग्जिस्ट सॉलिड एस वेल एस
लिक्विड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस में होगा, तो क्या होगा, वाटर कैन एग्जिस्ट सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फॉर्म, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होगा। फिर से यहां पे देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, अभी टेम्परेचर यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, जैसे कि 110 हो, 200 हो, 250 हो, अगर ऐसे टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म फ्रेंड। 100 डिग्री, अगर 100 डिग्री से ज्यादा होगा टेम्परेचर तो क्या होगा, वाटर एग्जिस्टिंग गैसियस फॉर्म। अभी फिर से देखिए, एट टेम्परेचर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, अभी यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था, लेकिन अगर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड एस वेल एस गैसियस फॉर्म। अगर इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस में होगा तो क्या होगा, वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड एस वेल एस गैसियस फॉर्म, और आप बोल सकते हैं गैसियस फॉर्म और स्टीम में भी रहता है, मतलब कि वेपर फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म। ओके, वेपर फॉर्म। कितना पॉइंट्स हो गया फ्रेंड, 5 पॉइंट्स हो गया, अब 4 पॉइंट्स हो गया, लास्ट पॉइंट देखिए और एक पॉइंट देखिए, एट टेम्परेचर, टी मतलब टेम्परेचर, ओके फ्रेंड्स, एट टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री से कम और 0 डिग्री के बीच में होगा, एक टेम्परेचर जीरो डिग्री और 100 डिग्री के बीच में होगा फ्रेंड्स। मैं इसे एक बार राफ कर लेता हूं, नहीं हो जाएगा, एक टेम्परेचर 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में अगर रहेगा, 0 से 100 का बीच में रहेगा, तब क्या होगा फ्रेंड, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। अगर आपको ये पांचों पॉइंट्स याद रहेगा तो आप इसे आराम से क्या कर सकते हैं, इसका फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी नंबर्स में रहेगा, आप उसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, एट टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में रहेगा। एट टेम्परेचर अगर 0 डिग्री टू इक्वल होगा, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री से इक्वल है तो क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड एस वेल एस लिक्विड फॉर्म, दोनों हो सकता है। एक टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से ज्यादा है, 100 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तो वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, वाटर क्या होगा, गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। और एक टेम्परेचर अगर 100 डिग्री से इक्वल होगा तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड एस वेल एस गैसियस फॉर्म और स्टीम, और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, वेपर फॉर्म में लिख सकते हैं। और लास्ट क्या है, एक टेम्परेचर अगर 0 और 100 का बीच में रहेगा, 0 और 100 का बीच में रहेगा तो क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ओके फ्रेंड, सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, ओके, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट
नंबर वन 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। सेकेंड में हम लेते हैं, टू में क्या लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको कहा था ना, कोई भी नंबर हो आप उसका आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो, अगर ये पॉइंट्स आपको याद हो तो। सी में मैं क्या लेता हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। और डी में क्या लेता हूँ मैं, 250 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिया है। नंबर वन, नंबर ए इज 0 डिग्री सेल्सियस, बी इज 100 डिग्री सेल्सियस, सी इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड डी इज 250 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या निकालना है आपको, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, इसका फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा। सो हियर यू सी, हियर टेम्परेचर क्या है, इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस है। मैंने क्या कहा था, टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या होगा, वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड एस वेल एस लिक्विड। आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड as well as liquid state or form भी लिख सकते हैं, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 0 डिग्री सेल्सियस का। यहां पे क्या दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हियर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था ना, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, वाटर कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड एस वेल एस गैसियस फॉर्म, और आप क्या बोल सकते हैं, और आप क्या बोल सकते हैं यहां पे, स्टीम फॉर्म, मतलब वेपर फॉर्म में हो सकता है। यहां पे क्या होगा, वेपर फॉर्म में हो सकता है। तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे कि वाटर, देयरफॉर वाटर एग्जिस्ट इन, डायरेक्ट लिख दीजिए वेपर, वाटर एग्जिस्ट इन वेपर फॉर्म और स्टेट आप लिख सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। हियर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज कितना है यहां पे, लेस देन, कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब कि यहां पे हो रहा है, ये जगह में हो रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, लास्ट में हो रहा है कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो टेम्परेचर कितना होगा, सॉरी एक्चुअली इसको मैं ये साइड में करता हूं तब जाके ठीक होगा। फ्रेंड इसको मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए सी का क्वेश्चन मैं आपको फिर से दिखा देता हूं यहां पे, जैसे कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग पता है क्या दिया हुआ है, हियर टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री से कम है कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस से कम है कि नहीं, मतलब कि ये 5 वाला पॉइंट पे आ रहा है, 100 डिग्री से कम हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या होगा, देयरफॉर वाटर एग्जिस्ट इन, क्या होगा ये, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ओके फ्रेंड्स। सो लास्ट क्वेश्चन एक और है देख लेते हैं, 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस। अभी देखिए यहां पे, हियर टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, ऑब्वियसली यहां पे 100 डिग्री 250 है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। सो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन, देयरफॉर वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, ओके फ्रेंड्स। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 या 2 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। सो अगर आपको ये 5
पॉइंट अगर आपको याद होगा, ये 5 पॉइंट अगर आपको याद होगा तो आप ये सब कोई भी क्वेश्चन हो, जितना भी न्यूमेरिकल हो, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो डेट इज यहाँ पे ये फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।